चलिए ओम शांति। आज बहुत ही प्यारा आज के मुरली पर गीत प्रस्तुत करेंगे संजय भाई जी। ओम शांति ओम शांति। परम धाम का सीन है और बाबा को हम लोग याद कर रहे हैं। बाबा को याद करके वो गीत हम लोग गा रहे हैं। परम धाम का सीन लगे थोड़ा सा जी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। भगवान आया है हमको पावन बनाने, पावन बनाने, लोका बनाने। भगवान आया है हमको पावन बनाने, पावन बनाने, देवता बनाने। भगवान आया है उनको पावन बनाने, पावन बनाने, देवता बनाने। काम कटारी मोह माया से हमको बचाने, काम कटारी मोह माया से हमको बचाने। भगवान आया है हमको देवता बनाने, भगवान आया है हमको देवता बनाने। काम कटारी मोह माया से हमको बचाने, काम कटारी मोह माया से हमको बचाने। भगवान आया है हमको देवता बनाने, बाबा आया है हमको पढ़ाने, हमको पढ़ाने, हमको पढ़ाने, हमको पढ़ना है पासे पास बाबा के साथ रहना है। ढसे ढलना जैसा कहता वो करना है, ढसे ढलना जैसा कहता वो करना है। ना से नारायणी नशा में रहना है, ना से नारायणी नशा में रहना है। आसे सदा आत्मिक स्थिति में रहना है, आत्म समझ कर बाबा को याद करना है। ऐसा पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, पढ़कर हम बच्चों को पावन बनना है, पावन बनना है। भगवान आया है हमको पढ़ाने, देवता बनाने, देवता बनाने। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाने, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाने। कांटों से हम बच्चों को फूल बनाने, कांटों से हम बच्चों को फूल बनाने। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाने, भ्रष्टाचारी से हम बच्चों को शिष्टाचारी बनाने, भ्रष्टाचारी से हम बच्चों को शिष्टाचारी बनाने। सतयुग में आना है
पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है। सोलह कला संपूर्ण निर्विकारी बनना है, सोलह कला संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मर्यादा पुरुषोत्तम हमको बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम हमको बनना है। भगवान आया है हमको पावन बनाने, पावन बनाने, देवता बनाने, पावन बनाने, हमको देवता बनाने। काम कटारी मोह माया से हमको बचाने, काम कटारी मोह माया से हमको बचाने। भगवान आया है हमको पढ़ाने, भगवान आया है हमको पावन बनाने, पावन बनाने, देवता बनाने। ज्ञान का श्रवण मनन चिंतन करना है, ज्ञान का श्रवण मनन चिंतन करना है। अपने जीवन में ज्ञान अनुसरण करना है, ज्ञान का श्रवण मनन चिंतन करना है। अपने जीवन में ज्ञान अनुसरण करना है। भगवान आया है हमको पावन बनाने, पावन बनाने, देवता बनाने। पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है, खुद बनना है, दूसरों को बनाना है। खुद भी बनना है, दूसरों को भी बनाना है। यही सतयुग का प्रजा बनाना है, यही सतयुग का प्रजा बनाना है। भगवान आए हैं पावन बनाने, पावन बनाने, देवता बनाने। बाबा कर हमको अमर कथा सुनाते हैं, बाबा कर हमको अमर कथा सुनाते हैं। सतयुग की सारी बातें बताते हैं, बाबा कर हमको अमर कथा सुनाते हैं। सतयुग की सारी बातें बताते हैं, आकर हम बच्चों को अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। बाबा आकर हमको अमर कथा सुनाते हैं। तुम ही तो सतयुग के हो राजकुमार कुमारी हो, तुम ही तो सतयुग के राजकुमार कुमारी हो। कल्प पहले वाले बच्चे इतना भाग्यशाली हो, तुम ही तो सतयुग के कुमार कुमारी हो। बच्चे तुम कितना भाग्यशाली हो। बाबा आया है हमको पावन बनाने, पावन बनाने, देवता बनाने। भगवान आया है हमको पावन बनाने, पावन बनाने, देवता बनाने। भगवान आया है हमको पावन बनाने, पावन बनाने, देवता बनाने। देखते हुए बिना देखना, सुनते हुए बिना सुनना है, देखते हुए बिना देखना, सुनते हुए बिना सुनना है।
ऐसी फुलका तेरी बनना है। देखते हुए बिना देखना, सुनते हुए बिना सुनना है। ऐसी फुलका पेज में पति बनना है। देखते हुए बिना देखना, सुनते हुए बिना सुनना है। ऐसी फुलका पेज में पति जीत बनना है। भगवान आया है हमको पावन बनाने, पावन बनाने, देवता बनाने। भगवान आया है हमको पावन बनाने, पावन बनाने, देवता बनाने। काम कटाई मोह माया से हमको बचाने, काम कटारी मोह माया से हमको बचाने, हमको बचाने, हमको बचाने। हम सब बच्चों को निर्विघ्न राज अधिकारी बनना है। हम सब बच्चों को निर्विघ्न राज अधिकारी बनना है। पुरुषार्थ करना है, निर्विघ्न सेवाधारी बनना है। हम सब बच्चों को निर्विघ्न राज अधिकारी बनना है। पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है। भगवान आया है, भगवान आया है हमको पावन बनाने, पावन बनाने, देवता बनाने। बाबा आया है हमको पावन बनाने, पावन बनाने, देवता बनाने। काम कटारी मोह माया से हमको बचाने, काम कटारी मोह माया से हमको बचाने, हमको बचाने, हमको बचाने। भगवान आया है हमको पावन बनाने, पावन बनाने, देवता बनाने। पावन बनाने, देवता बनाने। भगवान आया है। शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को। आप सभी माताओं को कैसा लगा? बहुत बाबा का गीत पे योगयुक्त होने का यह विशेष भाई जी का पुरुषार्थ चलता रहता है। आप सभी को कितना प्यार से पुनः मुरली का रिविजन करा दिए भाई जी को, पुनः धन्यवाद। और आप सभी मीठी प्यारी माताओं को भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ध्यान मगन होकर के बाबा का ज्ञान सुनती हैं। आप सभी को भी पुनः पुनः